वही पुत्र प्रभु जो देव असुर मनुज सब में सबसे अधिक बलशाली था, जिसकी त्रेता युग में आपने छल पूर्वक हत्या कर दी थी। स्मरण कीजिए प्रभु संसार के उस एकमात्र योद्धा का जिस पर आपको छुपकर तीर चलाना पड़ा था। स्मरण कीजिए मेरे पुत्र बाली का। प्रभु, आपका ये अवतार तो इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, फिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा अधर्म क्यों किया प्रभु? अकारण क्यों की आपने मेरी हत्या प्रभु? अकारण नहीं, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को पूरी दृष्टि से देखा। तुम जैसे अधर्मी का अंत करके धर्म की स्थापना होगी। मेरे सम्मुख आके आप मुझे दंड देते, पर छिपकर? तुम्हें दंड देने का और कोई मार्ग नहीं था बाली। छिपकर वार करना अधर्म होता है प्रभु। आप चाहे जितना भी तर्क दे दें, मैं जानता हूं आपने मेरे भाई सुग्रीव की सहायता पाने के लिए यह सब किया है। इतना बड़ा अधर्म किया आपने मेरे साथ, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा प्रभु, कभी क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु, मैं नहीं जानता कि आपने मेरे पुत्र के साथ जो भी किया वो धर्म था या अधर्म, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपने साथ हुए इस अन्याय को मेरा पुत्र मृत्यु के पश्चात भी भूल नहीं पाया।